हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव सोम में। आज हम लोग ये आपने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम लोग ये पुराने कंगन को न्यू लुक देने जा रहे हैं रीयूज़ के लिए। तो मैंने मेरे पास एक रेड कलर का पुराना कंगन रखा हुआ था, तो मैं इसमें ऊन से मैं इसको करूँगी। तो मैंने ऊन का 5-6 कोट कर लिया है और मुझे इसमें मोती चाहिए, मोती की माला चाहिए, तो मैंने इसको पिरो के रख ली है। और ग्लू चाहिए, गोटा चाहिए, तो मैं इसको पहले क्या करूँगी, नॉट बांधूँगी। तो मैंने ऐसे इसको खींच के नॉट बांध दिया है। तो क्या होगा, इससे आपको अलग से पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत आसान तरीका होता है नॉट बांधने का। फिर इसको मैं ऐसे राउंड राउंड करती जाऊंगी इसमें इसको, इसके बाद इसको करते हुए कंप्लीट हो जाएगा ये। लास्ट में एंड में इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये मोती की जो लड़ियाँ है, जिसको मैंने वाइट मोती और गोल्डन मोती को मैंने पिरो के रखी हुई थी, इस मोती को यहाँ पे ऊपर लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए मैंने क्या किया, डोरा थोड़ा छोड़ा हुआ है, तो उसको पहले यहाँ पे एक नॉट बांध देंगे ताकि ये अच्छे से टिक जाए। तो मैंने नॉट बांध दिया। अब दोनों में दो वाइट मोती के बीच में एक गोल्डन मोती है, उसके बीच से निकालते हुए मैं एक गोटा ले जाऊँगी, क्योंकि इससे लुक बहुत अच्छा आएगा। तो और ये देखने में बहुत हैवी कंगन लगेगा, इसको आप शादी पार्टी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जिससे मोती को क्या होगा, सपोर्ट भी मिलेगा, इससे मोती हमारी इधर उधर भागेगी भी नहीं, और हमको बहुत ज़्यादा अनावश्यक ग्लू भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको देखिए ऐसे से टाइट बांधती जा रही हूँ और इसको टाइट लगाती जा रही हूँ, दो एक गोल्डन मोती के बाद इसको। और एंड में मैं क्या करूँगी, जो इतना भी इसमें ग्लू यहाँ पे लास्ट में एंड है, उसको वहाँ पर कट करके निकाल दूँगी और ग्लू लगा करके उसको पेस्ट कर दूँगी। तो मैं इतना पोर्शन निकाल करके यहाँ पर अपना ये गोटा को लगा करके कर दिया है। और देखिए मेरे हाथ में, मैंने अभी पहन के भी दिखाया आपको, करवा चौथ में आप इस तरह से चूड़ियाँ बना सकते हैं अपने ड्रेस मैचिंग, अपने हैवी साड़ी के लिए भी कोई भी आप बैंगल्स खुद बना सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। इस तरह से प्लीज़ आप बनाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।